तो दोस्तों यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वालों ने भाई नया अपडेट निकाल दिया विंडोज 11 के लिए, पर यहाँ पे एक दिक्कत हो गई है। मतलब लोग थोड़ा कम भी इसको यार समझ पाए हैं, और साथ ही साथ लोगों को लग रहा है कि भाई अब नॉर्मली जो विंडोज 11 है ना उस पर कुछ भी अपडेट में चीजें नहीं आएगी, क्योंकि इन्होंने कुछ हद तक यार ऐसा सीनेरियो कर दिया जहाँ पे भाई फीचर्स जो हमें यार देखो विंडोज 11 क्यों लोग यूज करते हैं भाई, फीचर वीचर ये सब इंजॉय करेंगे ना, तो वही चीज अगर रिस्ट्रिक्ट हो जाए ऐसा होने वाला है भाई, जहाँ पे विंडोज 11 के फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे। कुछ यूजर्स ऐसे हैं जिनको मिलेगा और किसी किसी को नहीं मिलेगा। तो ये जो सीनेरियो हुआ है उस पर पूरी बात वाले आज इसी पे जाएंगे। नए बिल्ड्स भी आ चुके हैं, इवन मेरे पास भी अपडेट आ गया, दिखाता भी हूं आपको ये सारा टोटली सीन। बाकी स्वागत है आप सभी का एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। अच्छा देखो यार, सबसे पहले मेजर चीज, अगर आप विंडोज 11 का स्टेबल वर्जन यूज करते हो कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा भाई इस अपडेट अपडेट से। ये बेसिकली भाई टेस्टिंग के लिए इन्होंने इनहेंस करा है, मतलब बोला जाए इंप्लीमेंट जो ये लोग कर रहे हैं ना ये टेस्टिंग बेसिस से कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर में अगर ये लोग स्टेबल में ये सब चीजें करेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं आए। अब हुआ क्या है देखो, यहां पे यार विंडोज वालों ने ना तीन वर्जन कर रखे हैं। एक अपना डेवलपर जो आप सब जानते हो, डेवलपर एकदम हार्श बिल्ड वाला है, उससे दूर रहोगे तो वही अच्छा रहेगा। सेकेंडरी बोला जाए तो यार बीटा वर्जन है, और थर्ड पे आता है रिलीज प्रीव्यू। तो यहाँ बीटा वर्जन पे सबसे ज्यादा यूजर है आज के टाइम पे। इवन मैं तो ये बोलूंगा भाई विंडोज 11 से ज्यादा यूजर तो आपको विंडोज 11 बीटा वर्जन पे मिल जाएंगे। तो ये जो सीनेरियो हो गया है ना, बीटा वर्जन में इन्होंने दो अपडेट देने शुरू कर दिए। मतलब बीटा वर्जन में पहले एक अपडेट आता था सबके लिए एक बराबर था जितने लोग थे, अब यहाँ से यार दो अपडेट आने लग जाएंगे। जो नंबर के हिसाब से बताया भाई 22,600, और इसके आगे भाई जो 21 और 22 है ना इसमें बहुत बड़ा फर्क हो गया। मतलब इन्होंने कर क्या दिया है, अगर भाई आपको 21 वाला अपडेट मिलता है तो उसके अंदर भाई अपडेट तो हुआ है, आपका विंडोज बिल्कुल अपडेट हुआ है, पर कोई भी नए फीचर्स आप इंजॉय नहीं कर सकते हो। वही अगर आपको यार 22 मिला है, मतलब 22,622 नंबर वाला बिल्ड, तो हाँ वहां पे भाई आपको नए फीचर्स मिलेंगे, ये सब चीजें कर सकते हो। अब इन्होंने यार बेसिकली करा क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि लोग इसका मेन यार यही जानना चाहते हैं। तो इन्होंने यार बेसिकली टेस्टिंग करने का देखा है कि अगर हम लोग यार ऐसा कुछ करते हैं फ्यूचर में अपडेट दे जहां पे फीचर्स को ये लोग लॉक करके दे तो क्या वो चीज हो पाएगी, तो इस बेसिस पे अब ये चीजें इंप्लीमेंट होगी। पर यार यहाँ बड़ी दिक्कत क्या हो गई है, जिन यूजर्स का यार पीसी थोड़ा कम इनकॉम्पेटिबल रहा या फिर उनको यार मौका नहीं मिल पाया, लग बेसिस पे भी यहाँ थोड़ा काम करेगा। साथ ही साथ अगर आपने अनरोल कर दिया अपने डिवाइसेस को तो वहां पे आपको यार 21 वाला अपडेट मिलेगा। अब 21 वाला मतलब समझ चुके हो, आपको यार अपडेट तो हो जाओगे पर फीचर्स कुछ भी नए नए मिलेंगे। वही 22 उन पीसीज को मिलेगा जो थोड़ा ठीक है नॉर्मल चल रहा है, वो सिनेरियो रहने वाला है। बाकी यहाँ एक बार अगर आप 21 पे चले गए तो आपको ऐसा नहीं है कि आप भगाई दिया गया, बिल्कुल नहीं यार, उसके बाद भी भाई 22 का चांसेस बना रहेगा। अब मेरे पास भी यार रिसेंटली अपडेट आया, थोड़ा शो करता हूँ आपको। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सबसे पहले सेटिंग में पहुंच जाता हूँ, और यहाँ आप देख सकते हो विंडोज अपडेट में नॉर्मली मैं जाऊंगा। वैसे मैंने भी यार इनसाइडर ज्वाइन कर रखा था पर हम एग्जिट वाले थे, पर यहाँ देख सकते हो यार विंडोज 11 का अपडेट मेरे पास आया, और देखो 22,600 ये मेरे को यार 22 वाला मिला है। अब 22 का मतलब आप जानते हो यार बिल्कुल, आपको या मेरे को यार इसमें जो अगर मैं अपडेट कर लेता हूँ तो न्यू फीचर्स मिलेंगे, अगर यही 21 रहा तो नहीं मिलने वाले हैं सर, आपको वेट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप यार एनालाइज कर सकते हो, अपडेट चेक कर सकते हो, और मुझे बताओ यार कौन सा मिला है आपको। बाकी हाँ यार इस पर और डिटेल्स में चीजें जानना चाहते हो तो बिल्कुल हमारी यार वेबसाइट से चेक कर सकते हो और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी अगर यार वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब बनता है, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय यार, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।